हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं हैरल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। और द बर्थडे पार्टी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी, कब पब्लिश हुआ और किस तरह का प्ले है, मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम के थ्रू। नाउ आज हम जो है इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस प्ले को कॉमेडी ऑफ मेनस क्यों बोलते हैं। और याद रखना, इसको जानबूझकर थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया जाता है। इसको कॉमेडी ऑफ मेनस बोलने की जगह कॉमेडी ऑफ मेनस बोला जाता है, ताकि थोड़ा सा मैनर के करीब लगे ना, क्योंकि तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है उसका एक मजाकिया रूप ही बोल सकते हो आप। सो हियर वी गो। जो प्ले है, तीन एक्ट का प्ले है, हम आज पहले एक्ट को पढ़ने वाले हैं। तीन एक्ट का प्ले है। पहला एक्ट जो है ये एक बोर्डिंग हाउस है जो कि समुद्र किनारे है, 1950s का सीन है। उस घर में शुरू होता है, उस बोर्डिंग हाउस में शुरू होता है जहाँ पे गेस्ट रहते हैं, है ना। एक घर की बारे में बताया जाता है, तो एक दरवाज़ा है जो हॉल की तरफ लेके जाता है लेफ्ट साइड में, और एक विंडो है जो जनरली आपने देखा होगा किचन्स में लगी होती है, जो किचन्स को जोड़ती है हॉल से, ताकि खाना वाना जो है वहीं से पकड़ा दिया जाए। तो वो विंडो जो है लगी हुई है, हैच लगी हुई है वहाँ पर, और सामने जो है स्टेज पर टेबल और चेयर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला कैरेक्टर हमारा आता है सामने, पीटी, जो 60 साल का एक लगभग इंसान है, मेल है, और अपने लिविंग रूम में उसका एंट्री होती है और न्यूज़पेपर उसके हाथ में है ना, टेबल पे बैठ जाता है। उसकी वाइफ का नाम मैग है ना, जो भी 60 साल के आसपास है, उसको उस खिड़की के अंदर से ग्रीट करती है। और फिर उसके बाद वो आती है ब्रेकफास्ट लेकर, और ब्रेकफास्ट में क्या है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, है ना, जो कुछ लोग खाते हैं सुबह सुबह, गाँव में नहीं खाते हैं, शहरों में खाते हैं। तो वो पूछती है कि क्या ये कॉर्नफ्लेक्स अच्छे बने हैं, और वो कहता है कि हाँ भाई अच्छे बने हैं, है ना। और फिर वो थोड़ा सा बोरिंग सी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि वेदर के बारे में बात करते हैं वो। फिर एक लड़की है जो जिसके बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन हुआ है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर मैग बोलती है कि उसे तो एक लड़का ज़्यादा अच्छा लगेगा लड़की की तुलना में, है ना। फिर उसको पीटी को फिर क्या करती है वो, एक फ्राइड ब्रेड जो है वो उसकी प्लेट पकड़ा देती है कॉर्नफ्लेक्स के बाद। फिर पूछती है अच्छे हैं क्या, पीटी कहता है हाँ भाई अच्छे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पीटी जो है वो अपनी वाइफ को, यानी कि मैग को बताता है कि उसको पिछली रात को बीच में दो जो हैं इंसान मिले थे, दो मेल्स मिले थे, है ना, और वो कमरे के लिए बोल रहे थे, कमरा मांग रहे थे। मैग जो है इस न्यूज़ से बहुत सरप्राइज होती है, परंतु फिर जल्दी से अपने आप को कलेक्ट करती है और ये सोचती है शायद कि उन लोगों ने उसकी बोर्डिंग हाउस की रेपुटेशन के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये लिस्ट में है। सी ऑल्दो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं ऑन द लिस्ट, की गवर्नमेंट की लिस्ट होगी अप्रूव्ड बोर्डिंग हाउसेस की, बट वी आर नेवर टोल्ड कि ऑन द लिस्ट क्या होता है ना। यही कन्फ्यूजन, यही आइडेंटिटी को छुपाना, आगे जाके देखेंगे अपन, जो है इसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स बनाता है। तो फिर वो क्या करती है, एक रूम को प्रिपेयर कर देती है, तैयार कर देती है विजिटर्स के लिए। हालांकि वो एक ही रूम तैयार करती है, इसलिए उन दोनों विजिटर्स को ये रूम क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अचानक से मैग कहती है कि वो लड़के को जगाने जा रही है, मतलब इससे हमें पता लगता है कि इस घर में कोई और भी है, और प्रोबेबली वो एक बॉर्डर है, मतलब उस घर में किराए से रहने वाला है। तो पीटी उसे पूछता है कि क्या उसने उसको चाय का कप नहीं दिया है क्या, और मैग रिप्लाई करती है, है ना, कि उसने उसको पीते हुए देखा था सुबह। फिर मैग क्या करती है, स्टेयर्स की तरफ जाती है और चिल्लाती है स्टैनले वेबर, याद रखना स्टैनले वेबर तीसरा कैरेक्टर है हमारा ये, है ना, और जोर देके कहती है कि नीचे आ जाइए वो ब्रेकफास्ट के लिए। और वो उसको धमकी भी देती है कि वो नहीं आएगा तो वो ऊपर आकर उसको, अब सी ये जो वर्ड है कम अप एंड गेट हिम, ये भी थोड़ा सा इंट्रीगिंग है, ये एक्चुअली
सेक्सुअली जो है एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है, और आगे जाके हमें पता लगेगा कि किस तरह से जो मैग है वो इतनी एजड होने के बावजूद भी फ्लर्टियस है, मतलब फ्लर्ट करती है वो, है ना। तो तीन गिनने के बाद वो स्टेज से परे चली जाती है, मतलब क्योंकि उसको स्टेज पे जाना है, तो स्टेज और सब कुछ पूरा कमरा जो है वो स्टेज पे तो नहीं हो सकता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। और स्टेज के परे से, ऑफ स्टेज से मैग के हंसने की आवाज़ और स्टेलने के चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, और पीटी जो है वो अपना पेपर पढ़ने में व्यस्त है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैग जो है वापस से एंटर करती है और सांस उसकी फूली हुई है और अपने बालों को सही कर रही है वो, मतलब इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग व्हाट हैपेंड अपस्टेयर्स। तो वो जल्दी से स्टैनली के लिए कॉर्नफ्लेक्स प्रिपेयर करने के लिए जाती है। स्टैनली जो है एक डर्टी, जो मतलब साफ नहीं हो, और चश्मे पहना हुआ और अनशेवन, अनशेवन का मतलब जिसने शेव नहीं कर रखी हो, पजामाज में है, और वहाँ प्रवेश करता है और जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाता है। और वहाँ आकर वो अपने कॉर्नफ्लेक्स को बिल्कुल नो मूर्खों की तरह या बिल्कुल अनमने तरीके से देखने लगता है। वो और पीटी जो हैं वो प्लेजेंट्रीज, हेलो हाय बोलते हैं इसको, और वो शेयर करते हैं और मौसम के बारे में बात करते हैं। स्टैनली कंप्लेंट करता है कि वो ये सीरियल नहीं खा सकता, ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें दूध जो है वो बेकार हो गया, फट गया है जो भी। मैग उसको झूठा बोलती है, पर जल्दी से उस सीरियल को वो फ्राइड ब्रेड से, तली हुई ब्रेड बोल दो आप इजी लैंग्वेज में, रिप्लेस कर देती है। पीटी जो है वो खड़ा होता है और अपने साइड के दरवाजे से काम के लिए बाहर चला जाता है, और मैग और स्टैनली को अकेला छोड़ देता है रूम में। जो पूरे प्ले का अब तक नाटक का पूरे एक्ट का जो मूड था वो चेंज हो जाता है ना। स्टैनली जो है वो मैग को छेड़ने लगता है, उसे क्या बोलकर, फिजिकली नहीं अभी तो मुंह से छेड़ रहे हैं, उसे बोलता है कि वो एक बहुत ही बैड वाइफ है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को सुबह सुबह चाय का कप भी नहीं दे सकती, है ना। मैग जो है वो क्या करती है, गुस्सा करती है और उसे बताती है कि भाई तू अपने काम से मतलब रख, है ना। परंतु ये गुस्सा करने के बाद तुरंत क्या करने लग जाती है, वो फ्लर्ट करने लग जाती है, है ना। जब वो वर्ड यूज़ करता है सकलेंट, सकलेंट वर्ड जूसी होता है ना, जूसे बोलते हैं, तो जूसी वर्ड जो अपने इंसानों के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा सेक्सुअली अराउजिंग वर्ड है, लेकिन वो उसके इसके लिए बोल रहा है, ब्रेड के लिए बोल रहा है ना। वो अपने बालों को सही करती है और अपनी जो जो स्टैनली है वो क्या करता है, उसकी आम को क्या करता है, सॉरी मैं आई रिपीट इट, वो उसके बालों को सहलाती है परंतु वो उसकी आम को पीछे धक्का मार देता है ना। ये हिज पे ध्यान नहीं गया, सॉरी मेरा। इस तरह से ये जो फ्लर्ट वाला काम है ये शुरू हो जाता है, और ये सी इट इज़ नॉट नो डी ग्रेड और सी ग्रेड प्ले, आप याद रखना कि इसमें ऐसी बातें हो रही हैं तो आप सोचने लग जाओ कि कैसा प्ले। इट इज़ एक्चुअली यू नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एब्स्ट्रैक्ट तो है ही है, और अनक्लैरिटी ये सब बातें इसमें हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हर प्ले जो है अपने आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करता है, तो वो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। मैग जो है वो चाय का एक बर्तन लेके आती है, केटली मान लो, और वो उसमें उड़ेल देती है उसके सामने ना, और वो चलने को बताती है कि उसे शर्माते हुए, मतलब कि उसे एक वुमन को, शादीशुदा वुमन को, औरत को सकलेंट या जूसी नहीं बोलना चाहिए। स्टैनली जो है वो रिप्लाई करता है कि मैरिड वुमन को उसके कमरे में आना नहीं चाहिए और उसको जगाना नहीं चाहिए। मैग जो है वो कमरे में धूल जो है उसको पहुंचने लग जाती है ना, कि फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें लगता है वास्तव में कि मैं अभी भी जूसी या मतलब अभी भी मतलब यू नो जवान टाइप हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है ऐसा, है ना। परंतु जब वो उसकी आर्म को सेंशुअली समझ सकते हैं आप, है ना, स्ट्रोक करती है और उसे बताती है कि इस कमरे में मैंने कुछ शानदार दोपहरें बिताई हैं, है ना,
मतलब वो एक तरह से फ्लर्ट ही कर रही है अभी भी। तो स्टैनली जो है वो क्या करता है, पीछे हटता है और लैम्बेस्ट में क्रिटिसाइज करना घर की कंडीशन के लिए उसको क्रिटिसाइज करने लगता है ना। तो वो कहता है कि मेरे रूम को साफ करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेपर लगाने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि मुझे एक नया रूम चाहिए, है ना। और वो लगातार उसकी इंसल्ट करता रहता है ना, और उसे सिगरेट देने से मना करता रहता है, सिगरेट मांग रही है उससे वो, है ना। तो जब उसको वो टिकल करने की, छेड़ने की कोशिश करती है, जो डस्टर है, फैदर डस्टर, पंखों वाला डस्टर, साफ करने वाला डस्टर, डस्टर मैंने आप बोर्ड वाला डस्टर मत समझना, ये धूल साफ करने वाला डस्टर है। तो उसको टिकल कर रही है, छेड़ रही है, लेकिन वो उसको सिगरेट देने से मना कर रहा है और इंसल्ट उसके लगातार किए जा रहे हैं। तो या तो देखिए अब आगे क्या होता है, या तो वो इस बिहेवियर से की आदत पड़ चुकी है उसको, है ना, और या फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई, मतलब ध्यान ही नहीं देना वो, है ना। तो मैग जो क्या करती है, वो चेंज कर लेती है सब्जेक्ट को और फिर क्या कहती है, कहती है कि दो जो जेंटलमैन हैं वो आ रहे हैं वहाँ रहने के लिए। स्टैनली जो है अचानक से क्या है, शांत हो जाता है, एकदम रुक जाता है ना, क्योंकि उसने आज तक कभी इस घर में किसी दूसरे बोर्डर को, किसी दूसरे किराएदार को आते हुए देखा ही नहीं है। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, परंतु मैग बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना। स्टैनली अभी भी उसको अक्यूज़ कर रहा है ना। और फिर क्या करता है, दोनों जो हैं आपस में, दोनों क्या करने चिल्लाने लग जाते हैं, है ना, जब तक स्टैनली उससे बहुत चुपचाप शांति से पूछता है, है ना, तुम्हें लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम किससे बात कर रही हो, तुम चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही हो उससे। तो ये जो चीज़ है, ये हमें एक थोड़ा सा हिंट देता है कि मे बी स्टैनली जो है वो या तो पहले या अभी भी किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट या इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन पे या इम्पोर्टेंट टाइप का पर्सन है, है ना, इसीलिए वो ऐसी बात बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो इस तरह से, है ना, बट वी डोंट नो एनीथिंग येट। ये पहला इंडिकेशन है स्टैनली के मिस्टीरियस पास्ट का, है ना। और फिर पुराने दिनों की बातें याद करता हुआ वो मैक को बताता है कि उसको एक जॉब मिला था और वो सॉरी उसको एक जॉब मिला हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने वाला है, वो पियानो बजाएगा जैसे वो पहले बजाया करता था। फिर वो अकेला ही बात कर रहा है, वो फिर एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है जो उसने एक बार किया था, कि उसके पिता जो है उस लगभग उस कॉन्सर्ट में आए गए थे उसे देखने के लिए। फिर वो क्या करता है, अपनी स्टोरी को अचानक से बदल लेता है कि उसने अपने पिता को कभी बुलाया ही नहीं क्योंकि उसका एड्रेस उससे खो गया था। ये मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी है उस पीडीएफ फाइल में मैंने ये सब चीज़ें अंडरलाइन की हैं, आपको याद रखना है ना, ये आरपीएससी है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि उसने अपने पिता को अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्सर्ट में क्यों नहीं बुलाया था। तो ही डिस्क्राइब्स, वो क्या करता है फिर कि वो कॉन्सर्ट एक बहुत ही बड़ी सक्सेस था। फिर वो क्लेम करता है कि उसका अगला शो बहुत ही क्या था, बड़ी डिजास्टर थी, मतलब बुरा था। तो स्टैनली जो है किसी दे की बात करता है, कौन है ये दे पता नहीं है, है ना। तो जो कॉन्सर्ट हॉल में आ गए थे और उन्होंने क्या किया था, झगड़ा वगैरह करना शुरू कर दिया था, है ना। और मुझे वो क्या करना चाहते थे, मुझे झुकाकर मेरे घुटनों के बल क्या करना चाहते थे, क्रॉल करवाना चाहते थे मुझसे, है ना। तो उसके बाद में वो क्या करता है कि मैं पहचान सकता हूँ चीज़ों से, क्योंकि जो ये अपन समझ ही पड़ रहे हैं, तो डिटेल में जब इसमें ड्रामा में आप देखोगे तो बता रहा है कि मतलब ये सब जो सेकंड मेरा जो शो था वो किसी के द्वारा फेल करवाया गया था, मतलब इट वाज ऑल अरेंज्ड, है ना। परंतु उसकी स्पीच खत्म होने के बाद मैग उसे बोलती है कि तुम जाना मत, है ना। वो उसे कंफर्ट आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही है, परंतु बहुत ही यू नो निर्दयता से कहता है कि एक वैन आने वाली है इस घर में, जिसके जिसके साथ में क्या होगा, व्हीलबैरो का मतलब अब जैसे सामान वामान उठाने के लिए ईंटें वीटें, जो ईंटों के भट्टे होते हैं, आपने कभी देखा हो अगर, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, दो टायर या एक टायर लगा होता है और उसके हैंडल होते हैं दो पकड़ने वाले, उसे बोलते हैं व्हीलबैरो। सो वो उसे ले जाएंगे, यहाँ पे हर बोल रहे हैं मतलब मैक को ले जाएंगे, है ना। वो उसमें पैनिक कर जाती है, घबरा जाती है और उसे वो झूठ बोलने के लिए एक्यूज करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसकी तरफ बढ़ता है। इतने में क्या होता है, दरवाजे पे एक नोक होता है और हमारा चौथा कैरेक्टर आता है, लुलू, एक लड़की है, जवान लड़की है, 20s में है, है ना, और एक बड़ा सा पैकेज लेके आती है। मैग उसे बोलती है कि लिविंग रूम में रख दे, है ना, परंतु स्टैनली को रोक देना खोलने से, है ना। मैग जो है शॉपिंग करने चली जाती है, लुलू एंटर करती है, वो दरवाज़ा खोलती है हवा के लिए और वो क्या करती है, प्लेफुली मतलब वही फ्लर्ट करते हुए तरीके से
स्टैनली को बोलती है कि तुम्हें नहाने की और शेव करने की ज़रूरत है। वो उसे कहती है कि स्टैनली जो है वो उसके साथ बाहर घर से घूमने के लिए चले। पहले तो स्टैनली मना करता है ना, फिर वो बोलता है कि चलो हम कहीं चलेंगे, कहीं भी, है ना। जब लुलू उसे बोलती है कि क्या करेंगे, तो सॉरी कहाँ जाएंगे, तो स्टैनली बोलता है कि नोवेयर। ये नोवेयर जो है ये बड़ा मॉडर्न लिटरेचर का बड़ा पेट वर्ड है ना, कि कहीं नहीं जाने के लिए। और फिर जल्दी से क्या कहता है, अपने अंदर के टर्मोइल में, अपने अंदर की जो हलचल उसके अंदर चला जाता है, मतलब खो जाता है, है ना। लुलू जो है उसको प्यार से क्या बोलती है, वॉश आउट। वॉश आउट माने जो जिस 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 जिसमें कोई संभावना ही नहीं बची हो, ख़त्म हो चुका हो जो, है ना। फिर स्टैनली क्या करता है, अपना फेस होता है किचन में और वहाँ से चला जाता है। दो जेंटलमैन बोल सकते हैं अभी अपन, दो नए कैरेक्टर, 5 नंबर 6 नंबर, गोल्डबर्ग और मैकेन। वो कमरे में आते हैं स्ट्रीट से, गली से। मैकेन थोड़ा नर्वस है और निश्चिंतता चाहता है कि गोल्डबर्ग जो है उसे, गोल्डबर्ग जो है उन्हें उसे से घर में लेके आया। गोल्डबर्ग उसे बहुत ही खुश होकर बोलता है, मतलब प्लेजिंग टोन में बोलता है कि टेंशन मत लो, सही जगह पे आए हैं, है ना। गोल्डबर्ग जो है क्या करता है, वो अंकल बारने के बारे में याद करता है, जो उन्हें कहाँ ले जाया करता था, सी साइड पे लेके जाया करता था, समुद्र के किनारे, सेकंड फ्राइडे हर मंथ को, है ना। मैकेन जो है अभी भी नर्वस है। गोल्डबर्ग जो है परंतु उसको काम लिए क्या करता है, इंसिस्ट करता है कि ये जो जॉब वो करने वाले हैं या जॉब जो करने के लिए उनको भेजा गया है, वो अलग नहीं होगा उन सब जॉब से जो वो पहले कर चुके हैं, मतलब वो कोई काम करने आए हैं यहाँ पे। दिस इज़ द मिस्टीरियस थिंग नाउ। सो ये जो चीज़ है वो मैकेन को थोड़ा शांत करती है। जो गोल्डबर्ग को क्या कहता है, ट्रू क्रिश्चियन, कि तुम वास्तव में क्या हो, ट्रू क्रिश्चियन हो। इसका मतलब वो जो काम करने आए हैं उनको ऐसा लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी की हेल्प के लिए कर रहे हैं। और फिर ये इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही आभारी है कि उसे इस काम के लिए बुलाया गया है। गोल्डबर्ग जो है वो कहता है कि तुम इस प्रोफेशन में सबसे अच्छे हो, है ना। और फिर क्या करते हैं, वो एक डिस्कशन करने लगते हैं एक मिस्टीरियस जॉब के बारे में, जिसके बारे में वो, जिसको करने के लिए वो आए हैं, है ना। ये पहला इंडिकेशन मिलता है हमें कि कोई व्यक्ति इस बोर्डिंग हाउस में क्या है, कोई जॉब है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का काम है। और कोई व्यक्ति इस घर में कौन है, आप सोच सकते हैं कि दो तो मालिक हैं ही हैं, पति पत्नी, है ना, पीटी और मैग। तीसरा व्यक्ति कौन है इस घर में, स्टैनली वेबर, उनके लिए जॉब है। परंतु जॉब है क्या, करना क्या है, ये सब बातें हमारे सामने नहीं आती है, अनक्लियर रहती हैं। इसके बाद मैग आती है और मैग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और मैकेन को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर थोड़ा फ्लैटरिंग तरीके से बोलता है उसको, क्या, ट्यूलिप, याद रखना, मैग को ट्यूलिप बोलता है वो। तो मैग जो है वो जेंटलमैन को इन्फॉर्म करती है उन दोनों को कि आज स्टैनली वेबर का बर्थडे है, आप आए हो, बर्थडे है सॉरी। तो गोल्डबर्ग जो है उस स्टैनली में बड़ा ही इंटरेस्टेड लगता है और मैग से उसको पता लगता है कि वो उसका एकमात्र बॉर्डर है, एकमात्र किरायेदार है, है ना। कि उसने एक बार एक कॉन्सर्ट भी किया था और एक बहुत अच्छा पियानिस्ट था वो, पियानो बजाने वाला, है ना। और वो उस समय से उनके बोर्डिंग हाउस में रह रहा था। कुछ समय से उनके बोर्डिंग हाउस में रह रहा था वो। तो गोल्डबर्ग जो है कि वो उसको बोलता है कि चलो हम एक सडन पार्टी करते हैं स्टैनली के लिए। मैग जो है इस आइडिया से बहुत थ्रिल्ड है और क्या क्या डिसाइड करती है वो, कि वो अपनी पार्टी ड्रेस पहनेगी, है ना, और उनको उनके कमरे में ले जाती है वो मैकेन के जोर देने पर। इसी दौरान स्टैनली जो है वो कमरे में एंटर करता है ना, और टेबल पे बैठ जाता है। और जब मैग एंटर करती है वो क्या करता है, उसे बहुत सारे क्वेश्चन अचानक एक के बाद एक पूछने लगता है, कौन है वो, उनके नाम क्या है, वो कब जा रहे हैं, सब बातें उनसे पूछने लगता है। स्टैनली जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपसेट है जब उसको पता लगता है कि एक व्यक्ति का नाम गोल्डबर्ग है, है ना। वो बिल्कुल शांत या चुपचाप बैठा रहता है, है ना। और लेकिन मैग उसको एश्योर करती है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, और उसको खुश रहने को बोलती है। और खुश रहने के लिए उसको क्या करती है, वो एक पैकेज जो लुलू लाई थी, लुलू वो उसको दे देती है। बहुत बुरी तरह थक चुका है वो कहता है, वो मना कर देता है कि भाई मेरा बर्थडे है ही नहीं आज, परंतु मैग जो है वो सुनने से मना कर देती है और उस पैकेज को खोलती है। उस पैकेज में क्या है, टॉय ड्रम, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार बहुत कम संभावना है, फिर भी याद रखना कि उस गिफ्ट क्या है, टॉय ड्रम, और ड्रम स्टिक्स भी है उसके अंदर दो। मैग जो है वो क्या कहती है उसको कि उसके हाथ उसको किस करे, और उसको कर देता है, हालांकि उसके चीक पे करता है वो, लिप्स पे नहीं, है ना। वो उससे कहती है कि इसको प्ले करो, वो क्या करता है उस ड्रम को अपने गर्दन पे टांग लेता है
है ना, और टेबल के चारों आजू बाजू जो है क्या करते हैं, एक खुशी भरी धम धम करता हुआ बजाता हुआ, ट्यून तो नहीं बोल सकते अपन, है ना, थंडर बोल सकते हो या जो बोल सकते हो, तो वो करता हुआ टेबल के चारों ओर घूमने लगता है। और अचानक से क्या होता है, वो जो हैप्पी या मैरी ट्यून थी या मैरी जो ड्रम बजाना था, वो अचानक से क्या होता है, इरेटिक हो जाता है ना, जोर जोर से उसको बजाने लगता है पागलों की तरह। वो उसकी चेयर के पास आता है ना, और उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ जोर से और जोर से ड्रम को बजाने लगता है, जैसे कि उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, पजेस्ट हो गया हो वो, है ना। और इतना होते ही हमारा जो एक्ट फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा, और आज हम बात करने वाले हैं द बर्थडे पार्टी प्ले के एक्ट टू के बारे में। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट्स अ प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। तो हम बात करते हैं एक्ट टू की। उसी शाम की बात है जिस सुबह से हमने शुरू किया इस प्ले को, उसी शाम की बात है। मैकेन जो है टेबल पे बैठा है, मैकेन और गोल्डबर्ग दो जो व्यक्ति है नए आए हैं, और एक न्यूज़पेपर को 5 भागों में काट लेता है ना। और गोल्डबर्ग और पीटी जो है उनकी जो आवाज़ें हैं वो बाहर से आ रही हैं। स्टैनली जो है कमरे में आता है और मैकेन को ग्रीट करता है। मैकेन उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर जा रहे थे, और स्टैनली कहता है कि वो ऐसा ही कुछ करने जा रहा था, है ना। और वो उसे बोलता है कि अपने बर्थडे के तुम बाहर जाना चाहते हो, है ना। तो स्टैनली बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे, है ना। तो उसको रोकने की कोशिश करता है, है ना, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है हमने, है ना। स्टैनली उसे पूछता है वास्तव में, है ना, ये तो बहुत बुरी बात है। मैकेन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसी दौरान क्या होता है, स्टैनली जो है वो क्या कहता है कि उसका मूड नहीं है पार्टी करने का, है ना, और वो चुपचाप शांति से सेलिब्रेट करना चाहता है ना। मैकेन जो है वो दरवाजे को रोक लेता है और वहाँ से हिलता नहीं है, है ना। और मैकेन कहता है कि गेस्ट्स आने वाले हैं, है ना, और यू नो पार्टी जो है और तुम्हारे लिए एक ऑनर होगा जो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, है ना, एक बर्थडे पार्टी रखी जाने वाली है। स्टैनली जो है वो वहाँ से जाने के लिए मूव करता है, मैकेन वहाँ से उसे निकलने नहीं देता है, है ना। तो उसे बोलता है कि तुम रुकते क्यों नहीं हो, है ना। फिर वो हार मान लेता है, मतलब क्योंकि वो बाहर जाने नहीं दे रहा उसे। कौन बाहर नहीं जाने दे रहा उसे, याद रखना, मैकेन, क्योंकि आरबीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। तो वो हार मान लेता है और वहाँ पे टेबल पे बैठ जाता है, टेबल के पास बैठ जाता है, है ना। और फिर वो बोलता है कि उसे लगता है कि वो मैकेन से पहले मिला है, है ना। कहाँ मिला है, मेडनहेड, है ना। उसे पूछता है कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो क्या। मैकेन कहता है कि नहीं, वो कभी मिले नहीं है और वो कभी मेडनहेड में गया भी नहीं है, है ना। फिर वो कहता है कि वहाँ पे एक फुलर टी शॉप है ना, मैं वहाँ पे चाय पिया करता था, है ना, और वहाँ पे एक बूट्स लाइब्रेरी भी है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे हाई स्ट्रीट में कहीं मिला था। उसके बावजूद भी मैकेन बोलता है कि भाई नहीं नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम कभी मिले नहीं है, है ना। इसी तो उसके बाद क्या होता है, स्टैनली जो है वो बात करने लगता है किस बारे में, कि कोसल टाउन में किसी समुद्र के किनारे पे कोई टाउन जो होता है उस पर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, परंतु मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा, घर पे चला जाऊँगा, है ना। वहाँ पर मैं इस बार रुकूँगा भी, घर जैसा कोई स्थान नहीं होता, मैं घर से निकलता ही नहीं, है ना, परंतु बिजनेस के कारण मुझे घर से निकलना पड़ा। मैकेन जब उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी बिजनेस में हो, मतलब क्या तुम अभी भी बिजनेस कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं सब ये छोड़ दूंगा, है ना। अब ये जो चीज़ें हैं, मैं सब छोड़ दूंगा, आप पहले भी देख चुके हो एक्ट वन में कि कुछ मिस्ट्री या कुछ मिस्टीरियस पास्ट जो है उसके बारे में बात चल रही थी, और दो लोग जो हैं वो आए हैं कुछ सेटल करने के लिए, कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए, और हमें ये भी पता लगता है कि वो जॉब जो है और कोई नहीं, स्टैनले है। तो मतलब दे हैव समथिंग टू डू विद स्टैनले, पर हम साफ साफ कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मेनेस। नाउ अब क्या होता है, स्टैनले जो है मैकेन को दोबारा से कहता है कि वो उसे घर जाने का मन है, है ना, और कहता है कि वहां पर वो बहुत ही शांति से रहा करता था, है ना। हालांकि वो लगता नहीं है ऐसा दिखने में कि जो एक शांत लाइफ जिए, क्योंकि वो काफ़ी
समय से पी रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया है जब से वो बोर्डिंग हाउस में आया है। फिर भी वो कहता है कि मैं जब घर चला जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मैकिन पे ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए, वो उसे पूछता है कि तुम बोर्डिंग हाउस में क्यों आए हो, है ना। और वो कहता है कि भाई ये तो बहुत ही बुरा घर है मतलब चुनने के लिए, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली बोर्डिंग हाउस है ही नहीं, मतलब ये इतना बुरी कंडीशन में है, इतनी बुरी कंडीशन में है कि इसको आप बोर्डिंग हाउस बोल ही नहीं सकते हो। नाउ मैकिन इस बात का जवाब देता नहीं है, लेकिन सीधे क्या बोलता है कि तुम किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका बर्थडे हो उसके हिसाब से तुम कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस लग रहे हो, है ना। पर स्टैनली कहता है कि भाई मेरा बर्थडे नहीं है, और मैग को क्या बोलता है वो कि वो पागल है जो ऐसा कह रही है। मैकिन कहता है कि ऐसा कहना बहुत ही बुरी बात है। स्टैनली जो है वो इस फैक्ट से बड़ा परेशान है कि गोल्डबर्ग और पीटी जो है बाहर घूम रहे हैं, है ना, और थोड़ा सा शेकन सा लगता है, हिला सा लगता है वो। तो मैकिन बोलता है कि तुम थोड़ा सा अपने आप को यू नो स्थिर कर लो पहले, है ना। जब वो उसको बात बोलता है जब, तो स्टैनली क्या करता है, उसकी बाजू, उसकी बाह, उसकी आम पकड़ लेता है, है ना, और क्या बोलता है उसको, है ना, तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा था, तुम नहीं जानते क्या, है ना। और मैकिन जो है सिंपली बैठ जाता है और कहता है कि वो नहीं जानता कि स्टैनली किस बारे में बात कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। स्टैनली कहता है गड़बड़ किस बात में हुई है, वो दोनों आए हैं उसके, उससे मिलने या उसके हर कुछ करने के लिए या उसको ले जाने के लिए, उस बारे में स्टैनली बोल रहा है कि जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या, क्या तुमने, क्या उसने तुम्हें बता दिया, उसने मतलब गोल्डबर्ग ने तुम्हें, उसने बताया क्या कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम मुझे बताओ, है ना, तुम्हें मुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। स्टैनली बोल रहा है ये सब बातें ना, या फिर उसने तुम्हें बताया नहीं है, है ना। मैकिन जो है वो क्या करता है, अज्ञानता दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या क्या बताया मुझे, है ना। स्टैनली कहता है कि मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, है ना, मैं जितने भी साल बेसिंगस्टोक में रहा हूँ, बेसिंगस्टोक जगह का नाम है याद रखना, अभी मैं अपने घर से कभी बाहर भी नहीं निकला, ये जानते हुए या ये जानने के बाद कि मैकिन आयरिश है ना। स्टैनली उसको इनवाइट करता है एक पब में, है ना, जिसमें गिनीज जो है वो सर्व की जाती है, और ये जो गिनीज है ये एक तरह की बियर होती है, है ना। और पीटी जो है और गोल्डबर्ग जो है वो उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को बीच में आके रोक देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, है ना। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद गोल्डबर्ग जो है एक बहुत ही लंबा सा डिस्क्रिप्शन देने लगता है अपनी माँ के बारे में, और वो क्या कहता है कि मेरी माँ मुझे, मुझ पर चिल्लाया करती थी, सिमी, मतलब ये उसकी माँ उसको पुकारा करती थी, है ना। तो मैकिन कहता है कि तुम्हारा नाम तो नेट था ना, तो फिर वो बोलता है कि मेरी माँ मुझे सिमी कहा करती थी, है ना। गोल्डबर्ग जो है उसका क्या बोलता है स्टैनली को, है ना, उसके बचपन के बारे में पूछता है, पर स्टैनली कहता है, स्टैनली उसका कोई उत्तर नहीं देता है, है ना। तो इतने में क्या करता है, पीटी बोलता है उस साइलेंस को चुप करने, उस साइलेंस को तोड़ने के लिए अपने गेस्ट को बोलता है कि उसके जो है इवनिंग के कोई दूसरे प्लान्स हैं और वो बर्थडे पार्टी या बर्थडे पार्टी वो में नहीं आ पाएगा, है ना। जब वो चला जाता है, मैकिन भी चला जाता है ना शराब वराब लेने के लिए, स्टैनली अचानक चिल्लाता है ना, मेरे साथ पंगा मत लो। तो जो गोल्डबर्ग जो है जब उसको मतलब एड्रेस करता है ना, तो क्या करता है, वो कहता है कि मैं जो हूँ बोर्डिंग हाउस का मैनेजर हूँ, है ना, और कहता है कि तुमसे कोई गलती हुई है, हमारे जो कमरे हैं वो सारे बुक हो चुके हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। गोल्डबर्ग जो है वो स्टैनली की बातों को इग्नोर करता है ना। वो कौन सी बात को, कि इस गेस्ट हाउस में और नए गेस्ट नहीं आ सकते हैं, है ना, और इसके बजाय वो, सॉरी थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें बधाई देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर कितना कितना एब्स्ट्रैक्ट सा, कितना मतलब यू नो अजीब सा मामला है कि कोई कुछ बोल रहा है और उसका रिप्लाई कोई कुछ दे रहा है ना, कहीं कहीं भी कोहेरेंस नहीं है पूरे प्ले में। तो वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि बर्थडे जो होते हैं वो बड़े ही ग्रेट ओकेजन्स होते हैं और उनको हमें ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना। और उसके हिसाब से बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने की बहुत ही नो बड़ी बड़ी वजह है, बड़ी चीज़ है। जब मैकिन जो है बहुत सारी बॉटल्स लेके अपने साथ घुसता है
स्टैनली उसको बताता है कि कहता है कि तुम इस एल्गोल को यहाँ से ले जाओ, परंतु गोल्डबर्ग उसको कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, है ना, और जो साइडबोर्ड है उस पर मैकेन जो है बोतलों को रखता है ना। और मेरे स्टैनली जो है कहता है कि मेरे इस घर में जो लोग हैं उनके प्रति एक जिम्मेदारी है ना, और मैं बैठूंगा नहीं, है ना। और यहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय से बिना शराब के रहे हैं, है ना, और उन्होंने अपना सेंस ऑफ स्मेल भी खो दिया है ना, मैंने नहीं खोया पर, है ना, और कोई भी उनकी उनका फ़ायदा नहीं उठाएगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ, है ना। फिर भी गोल्डबर्ग कहता है कि बैठ जा भाई। स्टैनली जो है बैठने से मना कर देता है। अब मैं थोड़ा सा पूरे को पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये समरी में भी बहुत टाइम लग रहा है ना, तो बेसिक जो मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं बोल दूंगा आपके सामने। तो गोल्डबर्ग जो है जब वो स्टैनली बैठने से मना कर देता है तो वो कहता है मैकेन को कि तुम इसको ज़बरदस्ती बिठाओ, लेकिन जब स्टैनली जो है अपने मतलब बैठता नहीं है तो मैकेन जो है वो क्या करता है, सिट डाउन जोर से बोलता है और रिपीट करता है। तो तुम स्टैनली उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों बैठने को बोल रहे हो, तो गोल्डबर्ग बोलता है कि भाई तुम थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे इसलिए बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। स्टैनली बोलता है कि तुम भी तो कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम भी बैठ जाओ। तो मैकेन जो है बैठने के लिए तैयार हो जाता है अगर स्टैनली भी उसके साथ बैठेगा, है ना। परंतु जब वो झुकता है बैठने के लिए तो स्टैनली कहता है कि तुम दोनों ने रेस्ट कर लिया भाई, अब तुम यहाँ से निकलो, है ना। तो मैकेन जो है अपनी चेयर से तुरंत खड़ा होता है और बोलता है ये बहुत ही गंदी ट्रिक है और मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा मार मार के, है ना। तो गोल्डबर्ग जो है उस पर चिल्लाता है बैठने के लिए, तो स्टैनली चुपचाप बैठ जाता है, है ना। दोनों उसके पास आते हैं और पूछते हैं वेबर तुम कल क्या कर रहे थे। उससे पहले कि वो उत्तर देता वो बोलते हैं कि तुम उससे पहले वाले दिन क्या कर रहे थे, है ना। तो अब देखेंगे कि बहुत ही इरेलीवेंट से अजीब से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो स्टैनली को पूछते हैं कि तुम हर किसी का समय ख़राब क्यों कर रहे हो, है ना। और फिर वो और सारे क्वेश्चन पूछते हैं उससे बहुत सारे, जो वो आंसर भी दे नहीं पाता है ना। पहले तो वो स्टैनली से पूछता है कि तुम मैक को परेशान क्यों करते हो, इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो, पिछले हफ्ते तुमने क्या पहना था, तुमने ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, है ना। मैकेन जो है सारे इतने सारे क्वेश्चन बोल लेता है ना। फिर वो पूछते हैं स्टैनली से कि तुम्हें कुछ याद है क्या कि तुम यहाँ आने से पहले क्या थे, है ना। तो फिर वो बोलता है स्टैनली कि मुझे सिर दुखने लग गया था, मुझे हेडेक था, है ना, मुझे इतना याद है सिर्फ, जब मैं इस घर में आया था तो मुझे हेडेक था, है ना। तो तुमने इसके लिए कुछ लिया था क्या, दवाई ववाई, है ना। और स्टैनली कहता है कि उसने फ्रूट सॉल्ट्स लिए थे, है ना, फ्रूट सॉल्ट्स लिए थे। और गोल्डबर्ग कहता है कि तुमने इनो या एंड्रूज एक दवाई का नाम है जो पेट डिस्टर्ब होने के लिए ली जाती है, इनो आप जानते ही हो, क्या तुमने उनको हिलाया था ढंग से, है ना, क्या उनमें से बुलबुले उठे थे, है ना। तो स्टैनली जो है बेचारा वो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। गोल्डबर्ग उसको बीच में रोक देता है कि क्या उसमें से बुलबुले उठे थे या नहीं उठे थे, है ना, जोर देके बोलता है इस बात को। फिर वो बोलते हैं कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, है ना। मैकेन कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, इसके रिप्लाई में स्टैनली जो है चिल्लाता है कि मैकेन उसको नहीं जानता, है ना। परंतु मैकेन क्या करता है, अपना जो जो स्टैनली की ग्लासेस हैं, चश्मे हैं, वो उसके चेहरे से उतार लेता है। तो जब वो स्टैनली जो है अपना ग्लास वापस लेने के लिए आता है तो मैकेन उसकी चेयर को हिला देता है, पीछे की तरफ कर देता है, ताकि बेचारा वो फील करता करता, क्योंकि उसके चश्मे उतार दिए गए हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, तो पैरों से फील करता करता चेयर तक पहुँचता है। जब वो वापस बैठ जाता है तो फिर वो अपनी क्वेश्चनिंग फिर शुरू कर देते हैं। और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, है ना। तो स्टैनली कहता है कौन सी वाइफ भाई, मैं, है ना। तो फिर वो मैकेन पूछता है कि तुमने उसको मारा कैसे। अब देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, एब्सर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, कैसे मारा, तुमने उसका गला घोट के मारा या तुमने उसको आर्सेनिक पिलाकर या खिलाकर या अपने उसके खाने में डालकर मारा, है ना, मेटल होता है एक, ज़्यादा मात्रा में खतरनाक हो सकता है। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि तुमने कभी शादी क्यों नहीं की, गोल्डबर्ग कहता है, देखिए बिल्कुल चेंज, है ना, तुमने वाइफ को क्यों मारा, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की अभी, है ना। फिर गोल्डबर्ग क्या कहता है, तुम तो शादी से भाग गए थे, है ना। और फिर वो पूछता है कि स्टैनली ने तुमने मतलब अपना नाम क्यों चेंज किया, तो स्टैनली बोलता है कि मैं दूसरे वाला या पहले वाला भूल गया था इसलिए मैंने नाम चेंज कर लिया। अब देखिए ये सब बातें हमें किस तरफ लेके जा रही हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कहीं भी लेके नहीं जा रही हैं, है ना। क्वेश्चनिंग जारी रहती है, गोल्डबर्ग कहता है कि तुमसे पाप की बदबू आती है, तुम किसी बाहरी शक्ति को मानते हो क्या। स्टैनली को एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आता बेचारे को, है ना। परंतु गोल्डबर्ग तो इसको सिर्फ रिपीट करता है कि क्या तुम किसी बाहरी शक्ति को मानते हो जो तुम्हारे लिए उत्तरदायी है, तुम्हारे लिए सफर कर रही है।
स्टैनली जो है खड़े होने की कोशिश करता है, परंतु गोल्डबर्ग उसको फिर से धक्का मार देता है और कहता है कि क्या 846 नंबर जो है वो पॉसिबल है या आवश्यक है, है ना। स्टैनली कहता है कि दोनों ही नहीं है, ना तो पॉसिबल है ना ही नेसेसरी है। गोल्डबर्ग फिर से रिपीट करता है ना कि 846 जो है वो आवश्यक है परंतु संभव नहीं है, है ना। फिर गोल्डबर्ग क्या कहता है कि ये केवल आवश्यक रूप से आवश्यक है, है ना। ये सब बातें बिल्कुल एब्सर्ड है, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला है हमारे लिए, है ना। हम पॉसिबिलिटी को केवल तभी मानते हैं जब कोई चीज़ आवश्यक हो, है ना। ये संभव है क्योंकि ये आवश्यक है, परंतु इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि ये संभव है, ऐसा नहीं होता, है ना। कोई चीज़ संभव कब होती है, जब वो आवश्यक हो, ना कि कोई चीज़ आवश्यक तब होती है जब वो संभव हो। मतलब बिल्कुल एब्सर्ड बातें। तो उसके बाद फिर क्या बोलता है मैकेन, बोलता है सही कह रहे हो। गोल्डबर्ग कहता है कि हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, तुम ही गलत हो वेबर, तुम शुरू से ही गलत हो। पहले अब आता है असली क्वेश्चन कि गोल्डबर्ग और मैकेन स्टैनली को पूछते हैं कि पहले चिकन आए थे या एग आया था, है ना। स्टैनली जो है चिल्लाता है इस पे, है ना, और फिर गोल्डबर्ग पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम अस्तित्व में हो, है ना। गोल्डबर्ग जो है इस चिल्लाने के बाद जो है पूछता है तुम मर चुके हो, तुम जी नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते, तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम मर चुके हो, है ना। तुम एक ऐसा प्लेग हो जो बहुत बिगड़ गया है, बुरा हो गया है ना। तुम्हारी लाइफ में कोई जूस नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई फोर्स नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, है ना। तुम एक दुर्गंध के अलावा और कुछ भी नहीं हो। स्टैनली जो है ये सुनने के बाद क्या करता है, चेयर से खड़ा होता है, है ना, जिसमें वो सिमट कर बैठा हुआ था। रुकते हुए वो क्या करता है, अचानक से गोल्डबर्ग को पेट में लात मारता है और खड़ा हो जाता है। पर मैकेन जो है उसको, उसकी चेयर को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। इतने में गोल्डबर्ग कहता है कि मैकेन रुको, है ना। इससे पहले कि कुछ और होता, एक ड्रम बजने की आवाज़ आती है, क्योंकि मैग जो है वो कमरे में आ जाती है। शाम की अपनी जो ड्रेस है वो पहन चुकी है और स्टैनली का ड्रम जो है वो बजा रही है। मैग को देखते ही गोल्डबर्ग जो है उसको फिर उसकी तारीफ करने लगता है, है ना। और वो ड्रिंक्स जो हैं वो क्या करने लगते हैं, पॉर करने लगते हैं, डालने लगते हैं ग्लासेस में। गोल्डबर्ग जो है वो मैग को कहता है कि वो रूम में इधर उधर चले, है ना, क्या कहते हुए कि भाई उसने फैशन इंडस्ट्री में काम किया है, है ना, कि मैं तुम देखना चाहता हूँ तुम कैसे चलती हो, कैसे वॉक करती हो, है ना। जब पूरा ग्रुप जो है ग्लास उठाता है टोस्ट करने के लिए, गोल्डबर्ग क्या करता है, क्या कहता है कि मैग को कि तुम स्टैनली के बारे में कुछ बोलो, है ना, जो चुपचाप बेचारा साइड में खड़ा हुआ है। फिर गोल्डबर्ग जो है मैकेन को बोलता है कि लाइट बंद कर दो और तुम्हारी टॉर्च जला लो, है ना, और कहता है कि जो फ्लैश लाइट है वो स्टैनली के चेहरे पे रखना, है ना, और मैग की स्पीच को हम सब सुनेंगे। ये सब चल रहा है, देखिए। इसी तरह से फिर क्या होता है, अंधेरे में जो खड़े खड़े मैग जो है वो अपना टोस्ट शुरू करती है और उसके बारे में बोलना शुरू करती है। मुझे अपने घर में यहाँ पे खड़े होना बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं स्टैनली के लिए टोस्ट करना चाहती हूँ, चीयर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना। वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा है और ये अब वो मेरा स्टैनली है, है ना, मैं वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, हालांकि कभी कभी वो बुरा भी हो जाता है, है ना, परंतु वो एकमात्र स्टैनली है, उसको मैं जानती हूँ, है ना, और मैं पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा उसको जानती हूँ, परंतु उसको ऐसा नहीं लगता, है ना। जब अपनी स्पीच को ख़त्म करती है तो वो रोने लगती है और गोल्डबर्ग जो है और उसके शब्दों को बोलता है कि बहुत ही खूबसूरत है, और मैकेन को ऑर्डर करता है कि लाइट जला दे। अब क्या होता है, लुलू जो है जो लड़की थी वो आती है और गोल्डबर्ग से आके मिलती है, जो उसके हैंड पर क्या करता है, किस करता है और तुरंत उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। कौन? गोल्डबर्ग। अब गोल्डबर्ग क्या करता है, सबको बोलता है कि अपने अपने ग्लास उठा लो और हम क्या करेंगे, स्टैनली के लिए चीयर्स करेंगे या टोस्ट करेंगे, है ना। वो कहता है कि मैं, मेरे दिल को आज तक किसी बात ने इतना छुआ नहीं जितना कि मैक की बात ने, है ना। तो वो कहता है कि कितनी बार ऐसा होता है जब आप इतने बड़े हो जाओ और आपको इतनी वार्मथ और एक रियल रियल प्यार देखने को मिले, है ना, जीवन में एक बार सिर्फ, वो ये कहता है। और वो कहता है कि मैं तो इन भावनाओं से क्या हो गया हूँ, पूरी तरह से विभोर हो गया हूँ, भर गया हूँ, मतलब, है ना, जो मैग ने अपने विचार रखे हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम अपने जीवन में अपने खुद के दम पर ही वंडर करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, है ना। वो स्टैनली की तरफ बोलता है और बोलता है ये वर्ल्ड जो है ना एक बहुत ही
तन्हा सा लोनली सा तकिया है सोने के लिए, है ना। और मैकन को बोलता है कि लाइट्स को बंद कर दिया जाए वो जब पिएंगे। फिर जब लाइट दोबारा ऑन होती हैं तो मैग और मैकन जो है वो बातें करने लगते हैं और गोल्डबर्ग और लुलू जो हैं एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, है ना। और जब वो दोनों जोड़ियाँ आपस में बातें कर रही हैं तो उनके जो सेंटेंसेस की जो उनके जो वर्ड्स की आवाज़ें हैं वो एक अजीब तरह की कोकोफोनी पैदा करती हैं, मतलब अजीब सा जो समथिंग बैड है ना, बैड साउंड है ना। और स्टैनली बेचारा जो है चुपचाप बैठा हुआ है, गोल्डबर्ग को लुलू बोलती है कि उसकी आवाज़ उसकी स्पीच जो है बहुत ही अच्छी लगी उसको, है ना। और गोल्डबर्ग उसको बताता है कि उसको पहला लेक्चर देने का जो मौका मिला था वो एथिकल होल बेस वाटर में मिला था, ये भी याद रखना कहाँ, है ना। जब उसे पूछती है कि लेक्चर किस बारे में था तो वो बोलता है कि द नेसेसरी एंड द पॉसिबल, ये भी याद रखना आप, है ना। ये मैंने पीडीएफ फाइल में वैसे हाईलाइट कर रखे हैं, है ना। तो वो उसको कहता है कि उसकी गोदी में बैठ जाए वो लुलू, और वो ऐसा ही करती है। और फिर उसे पूछती है कि क्या उसकी कोई वाइफ है, तो गोल्डबर्ग बोलता है कि थी पहले, है ना। और अपनी वाइफ के बारे में वो स्टोरी बताने लगता है जिस जो उसे सिमी कहती थी। अभी बताया था कि उसकी मदर उसको सिमी कहती थी, अब वो बोल रहा है कि उसकी वाइफ उसको सिमी कहती थी। उसके बाद क्या होता है कि गोल्डबर्ग और लुलू फ्लर्ट जब कर रहे हैं तो लुलू जो है वो उसको बताती है कि उसे बूढ़े आदमी या अपनी उम्र से बड़े आदमी पसंद हैं और वो उसको उसके पहले प्यार जैसा लग रहा है। मैग और मैकेन भी काफ़ी फ्रेंडली बन जाते हैं, अपने बचपन के बारे में याद करते हैं, है ना, अपनी मेमोरीज में खो जाते हैं और बताने लगते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं एक दूसरे को, है ना। मैग जो है लास्ट में सजेस्ट करती है कि वो एक गेम खेलते हैं, याद रखना गेम का नाम है ब्लाइंड मैंस ब्लफ। इसमें क्या होगा कि मैग की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और लुलू एक्सप्लेन करती है कि अब कोई मूव नहीं कर पाएगा जब गेम शुरू हो जाएगा। लुलू कहती है कि मैग जो है वो वॉक करेगी उस पट्टी बांधे हुए, पट्टी को बांधे हुए, है ना, और वो किसी एक प्लेयर को टच करने की कोशिश करेगी और जिसको वो टच करेगी वो क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा, ये भी याद रखना क्या बन जाएगा, इट, है ना। और उसका उसकी बारी आएगी ये गेम खेलने की, पट्टी बांध के ढूंढने की। उसके बाद क्या होता है, मैग जो होती है वो पट्टी बांधे हुए मैकेन को ढूंढ लेती है और जब उसकी बारी आती है ब्लाइंड मैन बनने की तो वो स्टैनले को ढूंढ लेता है, है ना। और उसी दौरान गोल्डबर्ग और लुलू एक दूसरे को सहला रहे हैं, है ना। जब मैकेन स्टैनले को बांधता है पट्टी, उसका ग्लास ले लेता है और उसको तोड़ देता है और पीछे हट जाता है और रस्ते में उसके वो ड्रम रख देता है ना। और जब वो चलता है तो वो ड्रम पे पैर रख के उसको तोड़ देता है। जो मैग है वो मतलब बोलती है ओ ये गलत हो गया क्योंकि उसका गिफ्ट है, परंतु गोल्डबर्ग उसको श करके चुप करा देता है। वो फिर खड़ा होता है और स्टैनली जो है मैग तक पहुंचता है। जब उसके पहुंचता है तो अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। गोल्डबर्ग जो है और मैकेन जो है, है ना, वो क्या करते हैं, जाते हैं, भागते हैं और उसको जाके रोकने की कोशिश करते हैं। नाउ लास्ट स्लाइड में आते हैं। अब क्या होता है कि गोल्डबर्ग और मैकेन जो है वो क्या करते हैं, मैग को छुड़वा देते हैं स्टैनली से और लाइट चली जाती है अचानक में, है ना। अब अंधेरा हो जाता है बिल्कुल और गोल्डबर्ग कहता है कि वो कहाँ गया, एकदम सब अस्त व्यस्त हो जाता है। फ्लैशलाइट ढूंढने की कोशिश करता है मैकेन, गोल्डबर्ग जो है वो चिल्ला रहा है इस टाइम अंधेरे में मैकेन पे, है ना। अचानक से क्या होता है, लुलू की स्क्रीम जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, स्टैनली उसकी तरफ पहुँच रहा है या स्टैनली उसके पास पहुँच रहा है इसलिए, है ना। मैकेन पूछता है कि कौन है, परंतु लुलू बेहोश हो जाती है और स्टैनली जो है उसको उठाकर टेबल पर लेटा देता है। अंततः मैकेन को फ्लैशलाइट मिल जाती है और वो स्टैनली पर उसको चमकाता है या मारता है या उसके ऊपर रोशनी करता है जो झुका हुआ है और लुलू का रेप करने की कोशिश करने वाला है। और वो उसको दूर करते हैं गोल्डबर्ग और मैकेन मिलकर और दीवार के सहारे उसको मतलब लगा देते हैं। और उसका फेस जो है वो इस समय फ्लैशलाइट से चमक रहा है और वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। तो ये हमारा एक्ट टू था, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो, सो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जो बातें करनी होंगी वो एक्ट थ्री में करेंगे अपन एक्स्ट्रा। फिलहाल जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, जो मैंने सॉरी हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर से पीडीएफ फाइल में, उन फैक्ट्स को जरूर याद रखना। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एंड फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी बाय हैरल्ड पिंटर। तो हम शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे बैठे जो हैं मैग जो है वो पीटी को बताती है कि कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो गए हैं, है ना, और अब खिलाने को कुछ नहीं है। गोल्डबर्ग और मैकेन जो हैं वो सारे कॉर्नफ्लेक्स और सॉरी सारे के सारे ब्रेड खा गए हैं। पीटी जो है वो अपना जो न्यूज़पेपर है हमेशा की तरह पढ़ रहा है उसको, है ना, और ये बात कहता है कि मैग जो है पिछली रात
शी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, है ना, जैसे कुत्ता होता है, बहुत ज़्यादा पी रखी होगी उसने। तो इतने में मैग जो है वो स्टैनली के ड्रम की तरफ देखते हुए बोलती है कि ड्रम टूट गया है, और वो क्यों टूटा है उसे कुछ याद नहीं है इसलिए, है ना। और फिर भी बोलती है कि इसमें से आवाज़ तो हो रही है, और फिर वो कहता है, फिर वो कहती है कि शायद ये पार्टी में टूट गया था, हालांकि मुझे याद नहीं है कि ये पार्टी में टूटा था। परंतु अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट पहुंचाते हुए बोलती है कि चलो कम से कम पार्टी के दिन तो उसके पास ये ड्रम था जब उसको चाहिए था। देन मैग जो है पीटी को पूछती है कि क्या उसने स्टैनली को देखा है, परंतु वो कहता है कि उसने उसको नहीं देखा है, है ना। तो वो कहती है कि अब तक तो उसको उठ जाना चाहिए था, है ना, ब्रेकफास्ट के लिए उसको देरी हो रही है। पीटी बोलता है कि तुम तो कह रही थी कि ब्रेकफास्ट ख़त्म है, परंतु वो कहती है कि हाँ ख़त्म है, पर उसको तो थोड़ी पता है कि ख़त्म है, है ना। वो फिर वो कहती है कि मैं सुबह सुबह चाय देने गई थी उसको, लेकिन मैकेन जो है उसने दरवाज़ा खोला था, कि दरवाज़ा खोल के बताया था कि वो बात कर रहे हैं आपस में, है ना। फिर वो उससे पूछती है पीटी से कि तुम्हें लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि कहता है कि मुझे लगता है कि वो फ्रेंड्स हैं। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है कि वहाँ पे कार है, और पीटी से पूछती है कि क्या उस कार के अंदर कोई व्हील बैरो है। व्हील बैरो के बारे में पहले आया था, आपको याद होगा एक्ट फर्स्ट में, है ना, जब स्टैनली बोलता है कि एक कार आएगी जिसमें एक व्हील बैरो होगा और तुम्हें ले जाएंगे। परंतु वो उसको विश्वास दिलाता है कि कार जो है वो तो गोल्डबर्ग की है, है ना, जिससे उसको थोड़ा सा यू नो आराम मिलता है, शांति मिलती है। देन मैग जब जाने लगती है शॉपिंग के लिए, तो इतने में गोल्डबर्ग जो है नीचे आता है, है ना, और कहता है कि स्टैनली भी जल्दी आ जाएगा। ये सुनते हुए मैग पीटी को बोलती है कि वो स्टैनली को कहे कि वो जल्दी ही आ जाएगी वापस, और चली आती है। गोल्डबर्ग की तरफ मुड़ते हुए पीटी पूछता है कि स्टैनली की हालत ठीक हुई क्या सुबह सुबह, है ना। परंतु वो गोल्डबर्ग जो है वो अनकन्विंसिंग टोन में बोलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, है ना, परंतु मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ मिस्टर बोल्स, याद रखना मिस्टर बोल्स कह के पुकारता है वो इसको पीटी को। और वो जाते जाते बोलता है कि डॉक्टर होता ना तो वो कुछ ज़्यादा बोल पाता, डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाता, है ना। डरमोट उसके साथ है, देखिए नया नाम है डरमोट, ये मैकेन के लिए यूज़ हुआ है ना। तो वो उसके साथ है, उसको कंपनी दिए हुए है। पीटी पूछता है कि डरमोट कौन है, लेकिन गोल्डबर्ग बोलता है हाँ डरमोट। इतना ही बोल के वो बिना कोई एक्सप्लेन किए, है ना, जाने लगता है, और कहता है कि पार्टी जो है ना वो स्टैनली के लिए कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब वो संभाल नहीं पाया उसको। पीटी पूछता है कि उसको हुआ क्या आखिर, तो स्टैनली बोलता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। देन पीटी जो है वो गोल्डबर्ग से पूछता है कि भाई ये क्या, ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ क्यों उसको। तो गोल्डबर्ग कहता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं, मेरा एक फ्रेंड था, है ना, जो कह रहा था कि ये चीज़ें कभी कभी तो ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे होती हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे बढ़ती आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ही हो जाती हैं पुफ करके, ना अचानक से, है ना। तो वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस तरह के नर्वस ब्रेकडाउन जो हैं वो इनएविटेबल होते हैं, मतलब उनको होने ही होते हैं, मतलब कुल मिला के वो हिंट देना चाह रहा है कि स्टैनली जैसे लोग जो हैं उन्होंने जो काम किए हुए हैं उनके लिए ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन होने इनएविटेबल हैं, वो होके ही रहेंगे। देन पिछली रात के अपने एक्सपीरियंस को याद करके पीटी कहता है कि जब वो आया था तो घर में बिल्कुल अंधेरा था, किसी ने मीटर में फ्यूज़ लगाना, मतलब कोई मीटर में फ्यूज़ लगाना भूल गया था, है ना, इसलिए उसने मीटर में कॉइन डाल दिया, मतलब कहने का मतलब है फ्यूज़ डाल दिया एक तरह से, है ना। परंतु जब वो अंदर पहुंचा तो पार्टी पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल शांति थी, है ना, तो बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं ऊपर गया तो मुझे तुम्हारा फ्रेंड मिला डरमोट, है ना, तो उसने मुझे बताया कि वो इतना बोलने वाला था कि इतने में गोल्डबर्ग बोलता है कौन मिला तुम्हें, है ना। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड डरमोट, है ना। तो फिर वो पूछता है कि बात वो बात यहीं ख़त्म हो गई है ना जो वो बोलने वाला था, तो वो नई बात शुरू हो जाती है कि क्या ऐसे ब्रेकडाउन से पीपल या लोग रिकवर होते हैं क्या। तो गोल्डबर्ग कहता है कि हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि स्टैनली पहले से इस नर्वस ब्रेकडाउन से रिकवर हो गया हो। फिर भी पीटी बोलता है कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं बुला लूँगा उसको लंच टाइम तक, अगर स्टैनली अच्छा नहीं हुआ तो। तो गोल्डबर्ग कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने में मैकेन नीचे आता है, उसके हाथ में दो सूटकेस हैं। गोल्डबर्ग कहता है क्या हुआ, तो मैकेन रिप्लाई नहीं करता उसको। जब गोल्डबर्ग उसको पुश करता है, जोर दे के बोलता है मतलब कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा वापस से, है ना, बिकॉज क्योंकि स्टैनली जो है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल चुप हो चुका है, वो सब बातें करना बंद कर चुका है, है ना। तो फिर वो गोल्डबर्ग को बोलता है कि तुम खुद ऊपर जा सकते हो, है ना, ये पता लगाने के लिए कि स्टैनली कब वापस चलेगा हमारे साथ, है ना।
वो ये भी कहता है कि मैंने स्टैनली को उसके टूटे हुए चश्मे वापस दे दिए हैं जो अपनी आंखों पे लगाने की वो कोशिश कर रहा था। पीटी जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि हम उन चश्मों को टेप लगा सकते हैं। तो गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मिस्टर बोल्स कह के बुलाता है उसे फिर ना। तो वो कह रहा है कि ये थोड़ी देर तक उसको शांत रखेगा, टूटे फूटे चश्मों में अपने आप को फिट करना है ना, और उसका जो ध्यान है वो भी दूसरी चीज़ों से हट जाएगा थोड़ी देर के लिए है ना। फिर वो बोलता है कि हम उसे एक मोंटी नाम के आदमी के पास लेके जाएंगे, याद रखना है ना। तो स्टैनली पीटी पूछता है कि अच्छा आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो क्या? तो पीटी पूछता है उसे, तो फिर वो बोलता है कि गोल्डबर्ग बोलता है कि हाँ हाँ मोंटी के पास लेके जाएंगे उसे हम, मतलब साफ साफ नहीं बोलता कि वो मोंटी कौन है, डॉक्टर है या कौन है। देन गोल्डबर्ग जो है पीटी को बताता है कि वो और मैकेन जो है मैक के आने से पहले लौट जाएंगे। इस बात को स्वीकार करते हुए जो पीटी जो है वापस गार्डन में चला जाता है और वे दोनों जो हैं स्टैनली के नीचे आने का इंतज़ार करते हैं है ना। गोल्डबर्ग और मैकेन जो हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो मैकेन जो है वो एक न्यूज़पेपर के टुकड़े करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था, और गोल्डबर्ग को इससे बड़े ही चिढ़ चढ़ती है और वो कहता है कि ये बचकानी हरकतें, पॉइंटलेस हरकतें बंद करें है ना। और अपनी चेयर में बैठे बैठे गोल्डबर्ग अपनी आंखें बंद करता है और मैकेन से बात करता है बिल्कुल थकी सी आवाज़ में, और बोलता है कि भाई मैं आज बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ है ना, ये मेरे लिए बहुत ही अनकॉमन है, ऐसा फील करता नहीं हूँ मैं। तो ये बात सुनते हुए मैकेन जो है उसको कहता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करें ताकि हम यहाँ से निकल सकें, पर इस बात पर गोल्डबर्ग कुछ नहीं कहता है। तो मैकेन उसको नैट और सिमी नाम से पुकारता है, परंतु जब वो उसको सिमी नाम से पुकारता है जो उसकी माँ और उसकी वाइफ पुकारा करती थी अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, तो वो जोर से अपनी जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और बहुत ही यानी बुरे तरीके से बोलता है कि मुझे इस नाम से कभी मत पुकारना। एंड देन गोल्डबर्ग जो है मैकेन को बताता है, कहता है कि मेरे मुंह में देखना जरा और अपनी ओपिनियन देना है ना, और तुम समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब उसके मुंह में देख के बताना है कुछ। तो जब ऐसा होता उससे पहले गोल्डबर्ग जो है क्या कहता है कि किस तरह से उसने कभी अपना दांत एक दांत तक नहीं खोया है और इस पोजीशन को उसने कैसे प्राप्त किया है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट रहा है हमेशा। ये फिट एज ए फिडल जो है एक सेइंग है, बहुत ज़्यादा फिट रहना मतलब फिजिकली फिट रहना है ना। मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही बात कही है कि प्ले अप एंड प्ले अप द गेम, मतलब अपना काम करो है ना, अपने पापा और अपने मदर का सम्मान करो है ना अपने काम करते करते, और फॉलो द लाइन, रूल्स को फॉलो करो और मैकेन तुम कभी गलत नहीं होगे है ना। और वो ये भी कहता है कि मैंने हमेशा हर चीज़ को बाय हार्ट याद किया है, कभी लिखा नहीं कुछ भी है ना, नियम वगैरह जो है सब मुझे याद है, सब मुझे पता है क्या करना है, इसलिए मैं कभी गलत नहीं हुआ। और उसको वो फिर वो एडवाइस देता है कि कभी पानी के ज़्यादा पास में मत जाओ, मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका टारगेट है ना उसको जितना आपको कहा गया उतना ही करो, डोंट डू टू मच है ना। तो मैकेन को वो बोलता है सब बातें है ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो वर्ल्ड जो है, फिर वो इसी बात पे अटक जाता है कि मैं मानता हूँ कि जो वर्ल्ड जो है, और हमें पता भी लगता है कि गोल्डबर्ग जो है खो गया है शायद कहीं पे, अपनी चेयर से खड़ा होता है फिर वापस बैठ जाता है, और फिर वो मैकेन को बोलता है कि बैठ जाओ जहाँ से मैं तुम्हें देख सकूँ। मैकेन उसकी बात मानते हुए सामने के एक स्टूल पे बैठ जाता है और उसकी बात को सुनने लगता है। फिर गोल्डबर्ग उसको बताता है कि मेरे पिता ने मुझे बुलाकर क्या किस नाम से बेनी, तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे नाम हो गए हैं। तो मेरे पिता ने मुझे बुलाकर कहा, जब वो मर रहा था मैं झुक गया और मैं दिन रात उसके पास रहा क्योंकि और कोई था ही नहीं उसके पास, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि फॉरगिव, माफ़ करो है ना, और जीने दो है ना, ये और बहुत सारी सलाहें वो गिनवाता है जो उसके पिता ने उसको डेथ बेड पर दी थी। और सारी की सारी सलाहें जो है वो क्लीशे मतलब जिस तरह की सलाहें जो है पिताजी अक्सर देते हैं ना, खासकर बड़े बुजुर्ग जो हमें देते हैं या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है हमें कि मरने से पहले क्या क्या आदमी बोलता है कि अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए और एंड ऑल दैट, ये सब क्लीशे सलाहें थी जैसी होती हैं जनरली। वो उसको आगे जारी रखता है सलाहों वाली बात, लास्ट में वो कहता है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, अपना काम मेहनत से करो है ना, और सारे के सारे लेसन जो हैं उनकी लिस्ट को कंक्लूड करता है जो उसके पिता ने उसको मरते हुए कहे थे। फिर उसको अजीब सी बात बोलता है कि मेरे मुंह में एक हवा से ब्लो करो, मतलब फूक मारना बोलते हैं ना इसको, वो करो मैकेन की तरफ देखते हुए, ब्लो इन माई माउथ। उसकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैकेन खड़ा होता है और उसके माउथ में उसके मुँह में ब्लो करता है हवा है ना। गोल्डबर्ग रिफ्रेश फील करता है इससे, आई डोंट नो व्हाई है ना, और फिर वो बोलता है कि एक रोड के लिए भी, मतलब हम जाएंगे सफ़र करेंगे उसके लिए भी एक ब्लो, और मैकेन जो है वो उसको फिर प्रोसेस को रिपीट करता है जब तक कि मैकेन जो है अपना सिर हिलाते हुए कहता है अब वाह अब ठीक है ना। इतने में लुलू जो है वहाँ प्रवेश करती है, वो ऊपर सीढ़ियों से आ रही है। नाउ
ये बात महसूस करते हुए कि लुल्लू जो है वो गोल्डबर्ग से अकेले में बात करना चाहती है, मैकेन वहाँ से चला जाता है और वो क्या बोलती है, मैंने बहुत सारे गेम्स देख लिए हैं तुम्हारे, है ना, और उसको एक्यूज़ करती है कि उसने गोल्डबर्ग ने लुल्लू का फ़ायदा उठाया है, तुमने मुझे वो बातें बताई हैं जो एक लड़की को तब पता लगती हैं जब उसकी कम से कम 3 बार शादी हो गई हो, है ना, परंतु गोल्डबर्ग कहता है कि तुम अब सबसे आगे हो, है ना। इतने में मैकेन आता है और मैकेन आके बोलता है कि तुम जैसे लोग बेड में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, इट इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि कन्फेस कर लो अपनी, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में होता है कि जब आपने कोई पाप किया है तो कन्फेस करते हैं, है ना। तो फिर वो बोलती है क्या कन्फेस करूँ, है ना, फिर वो कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, है ना, और गोल्डबर्ग जो है तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए, है ना। तो वो बोलती है क्या इसके सामने कन्फेस करूँ मैं, है ना। तो वो बोलता है कि हाँ इसको 6 महीने हुए हैं, ये अनफ्रोक का मतलब डिफ्रोक होता है, जैसे कोई पादरी वगैरह होता है उसको किसी कारणवश उसकी सर्विसेज से मुक्त कर दिया जाए अगर, है ना, तो उसे अनफ्रोक या डिफ्रोक कहते हैं, मतलब पहले वो पादरी वगैरह था, तो मतलब तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही उस समय मैकेन जो है वो धीरे धीरे फुसफुसा रहा है कुछ कि झुक जाओ अपने घुटनों के बल और मुझे बताओ तुमने क्या किया है, मतलब कन्फेस करो, परंतु वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है कि क्या हुआ है, है ना, और ये कहते हुए कि वो जानती है क्या चल रहा है वो चली आती है, है ना। अब क्या है कि जब लुल्लू चली आती है तो मैकेन ऊपर जाता है और उसको स्टैनली को लेके आता है, है ना, जो जिसने कि स्ट्राइप्स वाले ट्राउजर पहन रखे हैं, ब्लैक जैकेट है और उसमें वाइट कॉलर दिखाई दे रहा है उसका, और उसके सिर पे गोल टोपी है, है ना, और उसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा है। हमें दिखाई देता है कि स्टैन जो है वो क्लीन शेवन है, है ना। गोल्डबर्ग पूछता तुम कैसे हो, और मैकेन बोलता है कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। गोल्डबर्ग भी कहता है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक नया आदमी लग रहा है, है ना। तो जो वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें नए ग्लासेस खरीद के देंगे, परंतु ऐसा लगता है कि स्टैनली उनकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा है, है ना। परंतु फिर गोल्डबर्ग कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमको अब तो नए ग्लासेस खरीद लेने चाहिए थे, है ना। और गोल्डबर्ग जो है वो कहता है कि तुम बहुत लंबे समय से मतलब कहाँ थे, तुम बैलेंस्ड नहीं थे, लेवल पे नहीं थे, और अब तुम क्या है, बिल्कुल वर्ज पे हो टूटने के या बिखरने के, है ना। परंतु अब वो मैकेन उसको बचा लेगा, ऐसा वो बोलता है, है ना। और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हर प्रकार की चीज़ करेंगे, तुम्हें हम रिच और सक्सेसफुल और हैप्पी बना देंगे। देन वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ चल दो, और उसको खड़ा होने में हेल्प करते हैं और उसको दरवाजे तक लेके जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टैनली को बहुत ही पीटा गया है, उसमें जान नहीं है बिल्कुल। तो पीटी इतने में आता है अंदर और आके कहता है कि इतने में अंदर आता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, पूछता है उनसे, और वो कहते हैं कि हम उसको मोंटी के पास लेके जा रहे हैं, गोल्डबर्ग बोलता है, है ना। तो पीटी कहता है कि वो यहाँ पे रुक सकता है, मैग और मैं उसकी देखभाल कर लेंगे। गोल्डबर्ग कहता है कि मोंटी जो है इस वक्त मोंटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टैनली को, है ना। वो गोल हैट बाउलर हैट जो है वो उसके सिर के ऊपर लगाता है और उसको दरवाजे तक ले आता है। पीटी चिल्लाता है कि इसको अकेला छोड़ दो, है ना, परंतु गोल्डबर्ग और मैकेन इस बात पर रुकते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते मिस्टर बोल्स। देन गोल्डबर्ग जो है पीटी को कहता है कि कार में बहुत सारे जगह, तुम भी चलो, मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हैं उसको, परंतु पीटी वहीं खड़ा रहता है जहां वो खड़ा था, है ना। जब गोल्डबर्ग और मैकेन जो है स्टैनली को दरवाजे के पास ले जा रहे होते हैं, पीटी चिल्लाता है और बोलता है कि स्टैन इनको मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम इनको अपने आप को डायरेक्ट करने मत देना, ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, है ना। और कार की आवाज़ जब आती है उसको जाने की, तो वो आता है टेबल पे और न्यूज़पेपर उठाता है, और जो मैकेन ने स्ट्रिप्स काट के रखी थी पेपर की वो उड़ जाती हैं, मतलब नीचे, है ना। मैक जब आती है तो उसे पता नहीं है कि गोल्डबर्ग और मैकेन जो है स्टैनली को साथ ले गए हैं। टेबल पे बैठे हुए पूछती है कि क्या गेस्ट चले गए हैं दोनों। पीटी कहता है कि हाँ चले गए हैं। वो बोलती है वो कितनी शर्म की बात है कि मतलब मैं आ ही नहीं पाए, मेरे सामने नहीं गए वो। कुछ समय के बाद वो पूछती है कि स्टैनली नीचे आया कि नहीं आया ब्रेकफास्ट के लिए। पीटी कहता है कि नहीं अभी नहीं आया वो। फिर वो पूछती है कि ये क्या अभी भी सोया हुआ है वो। तो पीटी बोलता है हाँ अभी भी सोया हुआ है, और झूठ बोलता है वो क्योंकि वो जानता है कि वो चले गए हैं। तो वो कहती है कि उसको नाश्ते के लिए लेट हो जाएगी, है ना, परंतु उसका हस्बैंड कहता है कि चलो सोने दो उसको, है ना। फिर वो बात बदलती है, फिर कहती है कि क्या पार्टी जो लास्ट नाइट पार्टी हुई वो अच्छी नहीं थी, अच्छी शानदार थी मतलब। तो वो कहती है, लेकिन पीटी उसको याद दिलाता है कि वो वहाँ पे नहीं था। तो क्या बोलती है कि मैं पार्टी में अट्रैक्शन का सेंटर थी, सबका ध्यान मेरे पे था, है ना। तो फिर पूछता है कि हाँ वो उसको कहता है कि क्या तुम थी वास्तव में, है ना। तो
तो वो कहती है हाँ सभी कह रहे थे कि मैं सबसे खूबसूरत लग रही थी या अट्रैक्शन का सेंटर थी, है ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी कह सकता हूँ कि तुम सबसे सुंदर लग रही होगी। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। इस तरह से ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वाला और आर्बिट्रेरी आइडियाज़ वाला, है ना, जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल कहानियों के हिसाब से देखें तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन दिस इज़ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड इन विच हैरल्ड पिंटर वॉज लिविंग। और ऐसे ही प्लेस के लिए वो जाना जाता है, ऐसे ही प्लेस को, ऐसे ही प्लेस जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको पिंटरेस्क बोलते हैं। और यही होती है कॉमेडी ऑफ मेनेस, वेयर नथिंग इज श्योर, वेयर नथिंग इज टोल्ड क्लियरली। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, और RPSC के लिए खासकर आपको फैक्चुअल बातें दिमाग में रखनी है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।